बर्तनों को उसमें अपलोड करना है डिशवॉशर में, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों इसके पहले भी मैंने आपको क्विक मोड बताया है डिशवॉशर का, उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी इंटेंसिव कढ़ाई मोड, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में आपको बेशक रिजल्ट जानने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपको तो पता ही क्या करना है, वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। उससे पहले एक और चीज मैं आपको साथ में शेयर करना चाहती हूँ, मेरा कॉमेडी चैनल भी है एमिका कॉमेडी तड़का के नाम से, लिंक आपको उस चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि मैं एवरी वीक फनी फनी वीडियोस उसमें लाती रहती हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मेरे पास है दोस्तों बॉश का डिशवॉशर जिसका रिव्यू मैंने दिया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसके लिए और काफ़ी लोगों ने ख़रीदा भी है इसको। तो ये रहा इसका लोअर रैक और इस पर अपर रैक भी है, एक इस तरीके से स्लाइड करके वो बाहर आता है। तो चलिए इसको मैं डिशेस आपको लोड करके बताती हूँ। तो देखिए सारी डिशेस मैं आपको पहले बता रही हूँ, बस कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा हल्का सा प्रीरेंस कर दीजिए, नहीं भी करेंगे प्रीरेंस तो भी इसमें ऑप्शन है प्रीरेंस का, तो मैंने तो फिलहाल प्रीरिंस किया है बस हल्के पानी से, बस नॉर्मल पानी से, तो इसीलिए मैं प्रीरिंस वाला ऑप्शन यूज़ नहीं कर रही हूँ इसमें। डायरेक्टली मैं आपको कढ़ाई वाला जो ऑप्शन होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, इंटेंसिव कढ़ाई वाला। वो हम ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ग्रीजी बर्तन होते हैं। तो मेरे तो ये नॉर्मल बर्तन है, मेरा उतना ज़्यादा ग्रीजी बर्तन नहीं है क्योंकि एक्चुअली जो है इंटेंसिव कढ़ाई मोड बहुत ज़्यादा ग्रीजी ऑयली जब बर्तन होते हैं तो उसके लिए काफ़ी काम का चीज़ है ये। अदरवाइज़ जो है आप अपना जो बर्तन है वो क्विक मोड में वॉश कर सकते हैं। एक्चुअली इंडियन बर्तन जो होते हैं वो काफ़ी ग्रीजी हो ही जाते हैं नहीं भी बोलेंगे तो ये सारा मैंने लोड कर दिया है अपर और लोअर रैक, और उसमें हम डालेंगे डिटर्जेंट को। तो मैं इंडिकेटर, देखिए नीचे वाला जो इंडिकेटर आपको दिखता होगा, बस मैं उतना ही डिटर्जेंट डालती हूँ इसमें। इसको बंद कर देंगे, आप इसमें टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हो। इसको लगाना और लोड करना काफ़ी इजी है दोस्तों, तो चलिए इसको मैंने लगा दिया, स्विच ऑन कर देंगे यहाँ से, डिशवॉशर को ऑन कर देंगे। अभी देखिए इको मोड में है तो ये 1 आवर 26 मिनट्स ले रहा है, हमें यूज़ करना है इंटेंसिव कढ़ाई मोड तो उसके लिए मैं इसको प्रेस करूँगी। अब ले रहा है 1 आवर 40 मिनट्स, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो ये अभी स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद मैं पूरा आपको वीडियो बताऊँगी एंड में इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो देखिए फिनिश हो गया है इसका वॉश करके, और ये बहुत ही बढ़िया गरम गरम पानी से वॉश करता है डिशवॉशर। वाओ ये देखिए शाइन देखिए आप बर्तनों में, एक बहुत ही अलग सी शाइन आ जाती है जब आप डिशवॉशर में बर्तनों को वॉश करते हो तब। और ये बर्तन जो है काफ़ी गर्म है अभी एक्चुअली, क्योंकि मैंने तुरंत ही खोला है जैसे ही वॉशिंग इसका कम्प्लीट हुआ है। तो मैं आपको बर्तन दिखा भी देती हूँ कि कैसे वॉश किया है, देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश हो गए हैं और ये बहुत ही हाइजीनिक है एक्चुअली। देखा जाए तो जैसे हम बच्चों की जो दूध की बॉटल, उनके बर्तन जो है हम बॉईल करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चों के हाइजीन से हम कोई भी समझौता करें, इसलिए हम उसको बॉईल करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए हर एक बर्तन जो है हमारा बॉईल, मतलब कि एकदम गर्म गर्म पानी में वॉश हो रहा है, मानिए कितना हाइजीनिक है ये चीज़ें। तो देखिए ये जो हमने तवा डाला था एकदम ग्रीजी ग्रीजी वाला तवा था, एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है बिना हाथ लगाए, तो आप देख ही सकते हैं एकदम नए जैसे बर्तन चमकने लगते हैं इसमें। तो मेरे लिए तो दोस्तों ये मेरा हेल्पिंग हैंड है किचन का, बहुत ही यूज़फुल चीज़। आप भी अगर इसे ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही बजट में है ये डिशवॉशर और बहुत ही काम की चीज़ है।
तो आप भी इसे खरीद सकते हैं और अपने किचन का साथी इसे बना सकते हैं। मेरे और भी मॉडर्न होम अप्लायंस के रिव्यूज़ आपको मेरे चैनल में देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी बेस्ट बाइंग लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। वहाँ से जाके आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट्स में मॉडर्न होम अप्लायंस को परचेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपको तो पता ही क्या करना है, वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।